ओई देख मुच्छल गुजराती को। लेकिन ये नेता जैसा कपड़ा पहन के यहाँ क्या कर रहा है? मांस खरीदने आया होगा। मुझ पे चेहरा या चेहरे पे मुझ समझ में नहीं आता है। ए गोलकीना, ये मूछ तेरे बाप के खेत में नहीं उगाई है। अरे इनको तो हिंदी भी आती है। अरे तुम लोग इन्हें जानते नहीं क्या? नहीं। ये प्रभात सिंह चौहान है। कौन लोग हैं ये, क्या कर रहे हैं यहाँ? साहब ये नए नए लोग हैं, अभी अभी आए हैं, इसीलिए आपको जानते नहीं है। हम लोग गुजरात से हैं तो क्या हुआ, दो पीढ़ी से कलकत्ते में झक नहीं मार रहे हैं। हिंदी क्या, हम बंगाली भी तुमसे ज्यादा अच्छी बोलते हैं। बाबा टैगोर के श्लोक सुने हैं? नहीं वो तो नहीं सुना हमने, लेकिन शाम होते ही हमारे बाबा बेवड़ा पी के जो गाली बकता है हमने तो बस वो ही सुना है। तुम लोगों से बात करना ही बेकार है। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों में से किसी ने उस पैसा खाओ गुंडिया को देखा है? उसने आपके पैसे अभी तक नहीं लौटाए। वो इस बार मुझे दिखाई दे गया ना, मैं तो उसे जिंदा जला दूंगा। वो यही कहीं होना चाहिए। ए राजू बा, ये कौन? अबे बेवकूफ, देखता नहीं है एक भला आदमी नमाज पढ़ रहा है? जा तू अपना काम कर। ए, वो देखो नाव की नाव सबसे पहले आ रही है। मेरी नाव? ओ तो यहाँ तुम हो, मुझे लगा एक भला आदमी बैठ के नमाज पढ़ रहा है। चल उठ राम खोर धोखेबाज। मेरी बोट आ रही है। मालूम है तेरी बोट आ रही है, मेरे पैसे निकाल। अरे देखे 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 देखे, आपको तो पता है ना कि बारिश में जिसकी बोट पहले आती है उसको नीलामी में 1.5 लाख रुपया मिलता है, आपको तो पता है ना? क्या? हाँ तो मैं शाम को दे दूंगा ना आपको। अरे तो फिर भी बाकी रहेंगे। आप कमाल करते हैं, जो बोट पहले आई है वो जाएगी भी पहले और कल आएगी भी पहले, तो कल शाम को भी 1.5 लाख मिलेंगे मिलेंगे ना। हाँ अब बताइए कुल मिला के कितने हुए? 1.5 और 1.5 3। तीन मुझे आपको देने कितने? पौने तीन। बच्चे कितने? 25,000। बच्चे हाँ? मतलब आपको मुझे 25,000 देने बराबर? हाँ? कब दोगे? क्या 25,000 कब दोगे? दे दूंगा। अरे दे दूंगा का क्या मतलब, कब दोगे? अरे कहा ना दे दूंगा। अरे दे दूंगा क्या होता है, क्या मेरा पैसा पैसा नहीं है? और मेरी बात टालने की कोशिश मत करना, परसों तक मुझे 25,000 मिल जाने चाहिए, वरना मुछ मुंडवा के खते पे बिठा दूंगा। बात करता है दे दूंगा, एक बंगाली बाबू से पाला पड़ा याद रखना। क्या हुआ? 1.5 3 पौने तीन 25, पर पैसे दिए कहां उसने? खबरदार कोई नाव में पैर मत रखना, जिस किसी को भी नीलामी के लिए बोली लगानी है सब सामने खड़े रहो, और जब मैं रोकना नहीं है तो मुंह मत खोलो। निकल ले, मैं निकल के तेरी बीवी क्या मेरी बोट में जो चल, निकल निकल तेरी। एक भी मछली नहीं है? बांडिया या बांडिया बांडिया? हाँ ये जलपरी है? नहीं जलपरी नहीं, ये तो जलपरा है। ये तो लाश है। है लाश है? कौन बोलता है ये लाश है? ये लाश है। अरे इसका मुंह खोली देखो, सांस चली सांस ऐसे सांस चली। अब मुच्छड़ को क्या बोलूंगा मैं? ये सब मुच्छड़ को बताने क्या जरूरत है, इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तो आप अकेले काफी हो। बराबर फंसाया है तूने मुझे। अब जैसे जाल फेंका तो पहले ये फंसा, तो जिंदा था तो मछली छोड़ के इसको ले आया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। चुप कर मुंह बंद। अरे भाऊ 15 अगस्त को आपको राष्ट्रपति के हाथों चांद मिलेगा। चांद? तो चांद को मैं चाटू? अरे वो चांद नहीं, स्वर्ण चांद, गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल साला, एक तो मुंह में नहीं निवाला, ऊपर से ससुर ने भेजा साला। चल पैर पकड़, पैर पकड़। नहीं लाश के पैर पकड़। अगर ये लाश को मैंने टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचा और यहीं पड़े पड़े मर गया तो मैं फंस जाऊंगा। अरे बुला 3-4 लोगों को बुला। अरे खड़े खड़े साले मुंह देख रहे तुम लोग? अरे उठो 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 उठो। क्या
हुआ? ये दवाइयाँ लेके आओ फटाफट, जल्दी जाओ। भाई क्यों लाओ ये? हॉस्पिटल में जितनी दवाई है सब आधी आधी चम्मच पिला दो, ठीक हो जाएगा वो। अरे ऑक्सीजन का बाटला भी खत्म हो रहा है, दूसरा चढ़ाना पड़ेगा। पूरा बाटला खत्म हो गया? दांत के किस तरफ दर्द है? इस तरफ। रुकिए मैं बुलाता हूँ। हॉस्पिटल की खिड़की खोल दो, जितना ऑक्सीजन चाहो मिल जाएगा। बोल, समझते क्यों नहीं? लगा मुझे है और खुद रो रहा है। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, बैठिए बैठिए। मालिक सब ठीक है ना? दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा, पहले उसको रह के देखो होश में आया कि नहीं। अच्छा अच्छा, किधर, ये क्या कर रहा है? मालिक, अरे मालिक कहाँ थे आप? कब से ढूंढ रहा हूँ आपको। क्या हुआ? डॉक्टर ने बुलाया है। मुझे नहीं आया। क्यों? अरे इससे दांत निकाले, पता नहीं वो क्या क्या निकालेगा। मुझे नहीं आया। दांत? एक तो खोने के लिए कुछ भी नहीं था, ये दांत बेचारा तकलीफ नहीं दे रहा, साले ने जबरदस्ती उखाड़ लिया। पता नहीं क्या क्या जाएगा यहाँ पे यार। जाएगा नहीं, आएगा, आएगा। क्या आएगा? तेरी पतलून का नाड़ा। चलो तो आइए, आइए, आइए। ये जो अभी लेटा है ना, मालूम है कौन है? कौन है? लखपति है, लखपति। लखपति? हाँ। तेरे जाल में फंसा? अरे लखपति ही जाल में फंसते हैं, आपको भरोसा नहीं है? मालूम है ये क्या है? ये चड्डी है। ये चड्डी नहीं, चिट्ठी है ये। ये 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 कोई मामूली चिट्ठी नहीं है। इसमें इसमें लिखा है इस आदमी को किन किन लोगों से कितने पैसे लेने हैं, पूरा हिसाब लिखा है लाखों में। और जो लोग इसका पैसा नहीं दे पाए होंगे उन्होंने इसको समुद्र में फेंक दिया। देखो इसका थोबड़ा तो देखो, आपके जैसा है नहीं ना, किसी अच्छे घराने का नहीं लगता। मालिक बहुत आसान है, इसकी जान हमने बचाई, उसका कितना मिल सकता है? कम से कम 5 लाख तो मिलेगा ना। किससे? इसके बाप से। तू जानता है इसके बाप? वो तो इसकी माँ जानती होगी ना। तो माँ कौन है इसकी? अरे वो तो इससे पूछ लेंगे। तो ये कौन है? इसे तो वो जानते होंगे ना। वो कौन? इसके माँ बाप। ये कौन है जाने बगैर इसके माँ बाप का पता कैसे लगेगा? इडियन। एक आइडिया है मेरे पास। क्या? इसका फोटो खींच के इसे दिखा के इससे पूछ लेते हैं ये कौन है, तब तो बताएगा ना ये कौन है। शाबाश। मालिक आ गया। कौन? होश, इसको होश आ गया, देखो आंखें खुल खस रहा है। हट हट हट, तू मरा नहीं है, तू जिंदा है। हाँ, तुझे जिन जिन लोगों से पैसे लेने ना, सबकी लिस्ट मेरे पास सलामत है। हाँ, हम साथ में मिलकर वसूली करेंगे। मैं तेरे साथ हूं। बोल बेटे, तेरा घर कहाँ है? कहाँ है तेरे माँ बाप? कहाँ रहते हैं? कहाँ? क्या हम लोग जो बोल रहे हैं वो सुन सकते हो? कैसे सुनेगा, जरूर इसके कान में पानी भर गया होगा। कान में पानी भरा है, मुंह में तो नहीं भरा है ना। बोल वो, देख वो। हम तेरे दुश्मन नहीं है, तेरे दोस्त है। ये ग्लूकोज की बाटली की कसम, बहुत खर्चा किया है तेरे पीछे। सही बात है। तेरी जान बचाने के बदले में जो हमको 5 लाख मिलने वाला है ना, उसमें से 2 लाख मुझे अभी दे एडवांस। ये फिर से बेहोश हो गया। ए बाबा, ये पूरा पी गया, ये झेका झेक कटोरा पी गया। अरे रख रख, उसको बोल कि उसका माँ बाप किधर है, कौन है, हमारा पैसा कब देगा, उसको बोला कि नहीं? तो अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया, ये पहरा है। बहरा? पूरी बाबा, ये सिर्फ एक ही भाषा समझ सकता है, इशारे की। मालिक मेरी तरफ देखो, देखो मैं दिखाता हूँ। जब्बा जब्बा जब्बा, मालिक देखो क्या बोला, इसको सुपोर चाहिए, ये बहरा के साथ घूमता भी है। तो पैसा है तेरे पास? नहीं। तो और सुख का पैसा के तेरे बाप देगा? ऐसा जबा जबा करता है, दबा दबा के खाता है, ऐसा बेमतलब का सवाल मत पूछ उसको। साला खा खा के सांड जैसा हो गया, बुका पटा। ए किधर से आया तू, तेरा घर किधर है? अरे इशारे की भाषा में पूछो मालिक। तो तू पूछ उसको, पूछ उसको कि तेरा घर बार का है, पूछ। ठीक है,
तेरा घर बार, तेरा घर बार किधर है? है और सूप मांग रहा है, सूप नहीं घर बार। चुप है, छोड़ बक, खाने पीने की बात करता रहता है। अब मैं इससे पूछता हूँ। पूछो मालिक। तेरा गांव कुआ कुआ पानी, तेरा गांव किधर है? किधर है? ये कौन सा गांव है? ये आपसे पूछ रहा है आपका गांव किधर है? शमशान घाट है। जबा जबा, मैं हिंदुस्तान की सब जगह तुझे इशारे से पूछूंगा, तू बताना तेरी जगह कौन सी है। हाँ जबा जबा, ये क्या है? तू नहीं समझा? लातूर, लात मार रहा हूँ लातूर। अभी आपने मुझसे बोला तो समझ में आया। चलो एक बेवकूफ को तो समझ में आया, अब इस गधे के बच्चे को कैसे समझाऊं? मालिक इसको रत्नागिरी पूछो, रत्नागिरी। रत्नागिरी रत्न 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 गिरी गिरी इधर इधर। हाँ मालिक, रत्न गिरी रत्ना गिरी रत्न। गलत समझा भाई, मैं इसको यहाँ के बारे में पूछता हूँ, कोलकाता के बारे में। कोल कोल काटा। ए मालिक संभल के पूछो, इससे नहीं तो काटा लगा मुझे ये। तो क्या करूं? क्या करें? इसे 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 बोरी बंदर के बारे में पूछो मालिक। बोरी बंदर? हाँ। बोरी समझा? एक बार और चढ़ाओ मालिक। बोरी। अब बंदर के बारे में तू बता। समझा? बोरी बंदर। ए नेका चंडी समझा? यहाँ गुंडिया भाव कौन है? ये इधर आ, इधर आ। क्या हो? हमको पता चला है आपको दरिया में से बड़ी चीज हाथ लगी है, जो भी मिला है उसको लेकर आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। बांडिया। हाँ मालिक। वो बड़ी चीज ला। यही है वो चीज? तो आपको क्या लगा हमको सोना चांदी मिला है? ये कौन है, कहां से आया है, जब तक इसका सही पता नहीं चलता इसको छोड़ेंगे नहीं हम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ठीक है, लेकिन अभी तक हमारे पास इसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं होने के कारण इसको हम अंदर भी तो नहीं रख सकते। फिलहाल इसे तुम दोनों के हवाले छोड़ रहा हूं, और जब भी मैं बुलाऊं इसे लेकर यहां हाजिरी देने आना पड़ेगा। यह आप लोगों की जिम्मेदारी है। खर्चा पानी इसका? नहीं, मुझे कोई खर्चा पानी नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारे पर एक एहसान कर रहा हूं, ऐसा समझो। जब ये भी कोई जीना है साला, धोबी के कुत्ते से भी बेहाल, और ऊपर से कंधे पे ये बेताल, और दोनों हम टोटली कंगाल। जबा साले, मेरा जो ये जब्बा था वो दिया ना तुझे, अब ये पूरा महिला होके बास मारेगा तभी दूसरा दूंगा। यामा नहीं, तेरे को मैं हीरो होंडा दिलाता हूं, चल। अरे हमारी गाड़ी इस तरफ क्यों जा रही है? वो तो पता नहीं मालिक, लेकिन आप मुझे घसीट क्यों रहे हो? मैं क्या घसीट रहा हूँ? जब खाना, तो ये ड्राइवर था जो धक्का मार रहा। अरे नहीं, बेचारे को भूख लगी होगी, बोल नहीं सकता, गूंगा है ना, इसलिए इधर खींच लाया। जब क्या ये? जब क्या ये? मालिक छिपकली, निकलना मत, निकलना मत। छिपकली नहीं, चिप्स मांग रहा है। छिपकली नहीं है मालिक। अरे छीनो मत, छीनो मत। क्या बदतमीजी है मालिक। अरे बाबू मोशा, तीन चाय खाबो, दो बराबर, एक बिना शक्कर कम दूध के। वो किसके लिए मालिक? गंदी चाय पिलानी पड़ेगी। अच्छा? अच्छी चाय पिलाएंगे और आदत पड़ेगी तो यहाँ हर रोज धक्का मार मार के लेके आएगा। बाबू मोशा, ऐसा करो, उसके हिस्से की शक्कर ज्यादा दूध मेरे में डाल दो। काहे काहे? पैसा तो तीनों को दे रहे हैं ना मालिक। पैसा तीनों को देना मालिक, गाली दे रहे हो मालिक? आगे का क्या सोचा है? आगे? अरे पहले भूत से तो पिछवाड़ा छोड़ाऊं, आगे की बात में सोचेंगे। चाय बाबा। अरे मेरा नहीं है ये, मेरा नहीं है। और ना मत मालिक, मुर्गी ने दिया। जब क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। अंडा? इसको उबला हुआ पानी दे दे, बोलना अंडा अंदर पिघल गया, गुंगा है, पता नहीं चलेगा। दे दे। ये जाए, ये जाए, दूर, दूर। ए, 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 शक्कर नहीं है बिल्कुल इसमें।
इस इलाके में बिना शक्कर के मतलब शक्कर के बिना ही होता है। तो तू चाय बनाता है कि हमको बनाता है? बिना चाय की शक्कर। मेरी चाय तो बहुत मीठी है। तो तू ही पैसा दे दे। मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। एक उसको भी दे। अच्छा, उसको भी दे। जब्बा भूखा होगा। जब्बा 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 मालिक जब्बा गया गया। हाँ। गया। अरे जान छूटी। अरे कहाँ गया? मुझे क्या मालूम। अरे उल्लू पकड़, उसको पुलिस हमको पकड़ेगी। अरे कहाँ गया? कहाँ गया? हमारे पैसा। हेलो हेलो मैं जीत है? कौन बोल रहा है भाई? हेलो हेलो मैं जीत का दोस्त बोलता हूँ। मोहन जी है क्या? देखिए पैसे अभी तक मिले नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस के पैसे बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या है, अब तक लाश मिली नहीं है, इसलिए ये तो तय है कि वो मर चुका है। जिंदा होता तो अब तक पता चल जाता। आपको कितने लेने हैं? मालिक वो देखो, वो देखो दांत पाठा यहाँ छुटके बैठा है, रंगे हाथों पकड़ लो उसको। पाठा अंदर घुसा है। इसमें बोलना पड़ता है, ये तेरे काम की चीज नहीं है। रख। ये क्या, ये बिल ऐसे निकल आता है क्या? हा? मशीन खराब कर दिया होगा मालिक। चल चल, चल पैसा दे। क्या? अरे पैसा दे फोन का। ये बोल नहीं सकता है, गुंगा बेरा है, खाली फोन पकड़ने का पैसा बात करता है। ये गुंगा बेरा होगा, तू गुंगा बेरा होगा, मगर मैं गुंगा बेरा नहीं हूँ। ये बिल छपा ना, मतलब पैसा देना पड़ेगा। देखता हूँ पैसे नहीं देता है। देखता हूँ। पैसा दे। नहीं दिया तो मैं दूंगा। क्या बोला, क्या करेगा तू? मैं इसको दूंगा। किसको? मैं इसको। तू तू इसको देगा? दूंगा। तू मतलब इसको मारेगा? मारूंगा। तू इसको मारेगा? मारूंगा। तू इसको मार दिखा मुझे, देख रहा है? अरे मार 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 के दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा। ये ले ये ले ये ले तेरा पैसा। ले चले मालिक। क्या देखेगा रे तू? वो मेरे को मारेगा, तू देखेगा? क्या देखेगा मालिक? क्या वो फिर से गायब हो गया? अरे इधर तो था वो, ये कहां गया है? इधर तो क्या साला, उधर बैठ के क्या सेठ बनेगा मेरा? ढूंढ उसको। अभी इस पे नजर रखना, कहीं बिल्ली की तरह सटक ना जाए। चल चल ढूंढ। चल साला, आफत की पुड़िया मेरे ही सर पे पड़नी थी। जब ये मेरे जाल में फंस पड़ा मैं तो तभी समझ गया था ये आपके सर पे पड़ने वाला है। तो मेरे ही सर पे पड़ेगा ना, तेरे कंधे पे तो सर ही नहीं है। जाके नाव खोल, नाव खोल ना। साला बुढ़ा मर भी नहीं जाता है। इतने दूर मैंने नाव, बहुत साले मुच्छड़ गुजराती की वजह से ये नाव मैंने यहाँ पर छुपा के रखा है ताकि उठा के लेके न जाए। कब तक छुपाएंगे? वो मुच्छड़ ले जाएगा बोल बोल के। हफ्ते भर से नाव को पानी में नहीं उतरने दिया आपने। मेरी हालत इतनी पतली हो गई है कि चाय पानी का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। आंसू पी पी काम चला रहा हूँ मैं। तो मैं तेरे लिए बीच समंदर में चाय पानी का दुकान खोलूं? खोल इसको। खाने पीने में घास फूस और कच्ची मछली बची है। कच्ची मछली ऊपर से ये मगरमच्छ साला। एक बात बोलूं मालिक, आप बुरा मत मानना। बोल। आप एक नंबर कमीने हो। तो हूँ, मैं हूँ। उधार लेते हो वापसी नहीं करते हो? तो कहाँ से दूंगा साले, एक तो जेब खाली, ऊपर से सफेद कपड़े में भूत नाच रहा है मेरे सर पे। ये सब इसी मुसीबत की वजह से हुआ। ए बानिया इधर। 24 घंटे के अंदर अंदर तूने इस मुसीबत को यहाँ से फुटाया नहीं ना, तो मैं तुझे बोट में चढ़ने नहीं दूंगा। चढ़ तो आप भी नहीं सकते हो। क्यों बानिया क्यों? 20 घंटे के अंदर नाव ले जाने की धमकी दी ना उसमें चढ़ने। तो नाव खोलना, खोलना। हेलो बारिया खुल रहा है। जैसे ऐसे हिंदी में बोलेगा तो समझ में आएगा ना। अब साले एक दूंगा गाज पाठा। कहीं भूत हो। अब इस बोट को आराम से बैठ सकते हैं। तू कमीना अंदर नहीं जाएगा, पहले इस कमीने को अंदर जाने दे। ए, अपना दायां पैर आगे रख, शायद इस मनुष्य के कदम हमारे लिए अच्छे हो। ए, दायां पैर आगे रख। ये गुग्गो, दायां मतलब ये पैर आगे रख। यहाँ पे साला दो पैर फिर भी समझता नहीं है। ले घूम। ये देखो पीछे जा रहा है सूअर बच्चा, पीछे जा रहा है। अरे प्लेटफॉर्म पीछे नहीं जा रहा बेवकूफ, नाव आगे जा रही है। छोड़ गई नाव पानी में।